Welcome or welcome back to my YouTube channel, A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है, उसके अंदर अगेन हम डॉक्टर जे टी कैंट की जो फिलोसॉफी है उसके अंदर से एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं बहुत टाइम पहले से ही जो डॉक्टर कैंट की फिलोसॉफी है उसके ऊपर लेक्चर्स डाल रही हूँ और ये कंटिन्यू रहेगा. ठीक है, सो फिलोसॉफी के अंदर आई थिंक अबाउट दैट कि मुझे वीडियोज अपलोड करने चाहिए, बिकॉज कि उसके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और खास करके ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कि बहुत ज़्यादा बोरियत फील होती है. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द मटीरियलिज्म इन द मेडिसिन, जो कि डॉक्टर कैंट की फिलोसॉफी के अंदर आपको मिल जाएगा. और जो फिलोसॉफी का पेपर होता है उसको किस तरीके से लिखा जाता है वो चीज़ मैंने मेरे पहले वाले वीडियो के अंदर भी डिस्कस करी थी. ठीक है, तो आप वो वीडियो जाकर भी देख सकते हो. उसके अंदर मैंने इनडिस्पोजिशन और उसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं. ठीक है, तो आप मेरी चैनल पर जाकर, प्लेलिस्ट पर जाकर, जो फिलोसॉफी के लेक्चर्स हैं वहाँ पर जाकर देख सकते हो. बात करते हैं मटीरियलिज्म इन द मेडिसिन के बारे में. तो ये जो एक पूरा टॉपिक है वो आपको डॉक्टर जे टी कैंट के जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 10 के अंदर मिल जाएगा. ठीक है, तो ये चीज़ भी मेंशन करना इन योर एग्जामिनेशन, इन योर आंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सो डॉक्टर कैंट जो है उन्होंने इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो एफोरिज्म नंबर 13, एफोरिज्म नंबर 14 एंड एफोरिज्म नंबर 15 को डिस्कस किया है. ठीक है, तो इन शॉर्ट जो मटेरियलिज्म इन द मेडिसिन है उसके अंदर हमको तीन एफोरिज्म जो हैं उनका डिस्क्रिप्शन मिलता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जे टी कैंट. ठीक है, सो सबसे पहले हम एफोरिज्म नंबर 13 को जब देखते हैं तो उसके अंदर हमको क्या चीज़ मिलती है. ठीक है, पहले ये समझना इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, बिकॉज कि अगर आपको एफोरिज्म नंबर 13 क्या कहना चाहता है वो नहीं पता तो आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे. राइट, सो एफोरिज्म नंबर 13 जो है उसके अंदर डॉक्टर हैनेमन ने डिस्क्राइब किया है हाउ एलोपैथी कंसीडर द डिजीज इट अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द होल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द निगलेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वाइटल फोर्स. सो जो एफोरिज्म नंबर 13 है उसके अंदर डॉक्टर हैनेमन बताते हैं कि जो एलोपैथी है, खास करके जो उनके टाइम पर जो प्रैक्टिस किया जाता था विच इज़ अ ओल्ड स्कूल मेथड. ठीक है, तो वो जो एक पर्टिकुलर मेथड थी, इवन दो आज के ज़माने में भी अगर हम एलोपैथी के अंदर देखते हैं, इवन दो दूसरी भी सारी पैथीज़ के अंदर हम देखते हैं, तो उनका और होम्योपैथी के बीच का सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जो एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है वो ये है कि वो डिज़ीज़ को सिर्फ एज अ डिज़ीज़ देखते हैं, लेकिन हम डिज़ीज़ को किस तरीके से देखते हैं कि वो एक पर्सन को हुआ है और हम पर्सन एज अ होल को समझते हैं. ठीक है, जब हम केस टेकिंग करते हैं तो हम पूरे के पूरे इंसान को समझने की कोशिश करते हैं, ना कि उसके सिर्फ एक डिजीज को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ये एक बेसिक वाला हमारा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है. दूसरा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि एलोपैथी जो है वो बिल्कुल वाइटल फोर्स में मानता नहीं है. ठीक है, वो उसकी एग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं है. ठीक है, लेकिन होम्योपैथी जो है वो वाइटल फोर्स से शुरू होता है, वाइटल फोर्स पर ही ख़त्म होता है कि भाई वाइटल फोर्स इन हेल्दी स्टेट क्या होता है, उसने डिजीज़ में क्या रोल दिया, उसने क्योर में क्या रोल दिया. ठीक है, और इन शॉर्ट हम ये भी बोलते हैं कि जो हमको सिम्टम्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, दे आर द डिरेंजमेंट ऑफ द इंटरनल सिम्टम्स आर द डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स. ठीक है, जब वाइटल फोर्स डिरेंज होता है तभी जाकर हमको सिम्टम्स मिलते हैं, और अगर हमको किसी चीज़ को क्योर करना है तो हम पूरे वाइटल फोर्स को क्योर करते हैं. ठीक है, तो ये था कि जो डॉक्टर है ने मैंने वो हमको बताना चाहते कि जो एलोपैथी है, ठीक है, वो क्या समझता है एक डिजीज़ के बारे में, एक पर्सन के बारे में, और होम्योपैथी के अंदर हम डिजीज़ को, एक पर्सन को किस तरीके से समझते हैं. ठीक है, तो एलोपैथी क्या करता है कि वो पूरी के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं देखता और वो खास करके निगलेक्ट कर देता है किस चीज़ को, वाइटल फोर्स को. लेकिन ये दोनों चीज़ें हमारे लिए एज अ होम्योपैथ बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द मटीरियल नोशन विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द हैनेमन टाइम स्टिल ग्रोइंग, जैसे मैंने आपको बोला कि हैनेमन सर ने जब ये एफोरिज्म नंबर लिखा या फिर तो जो भी पूरा ऑर्गेनॉन लिखा, तो वो उन्होंने उनके टाइम के अंदर जिस तरीके का ओल्ड स्कूल का प्रैक्टिस था, ठीक है, एलोपैथी को ही हम ओल्ड स्कूल बोलते हैं, तो ओल्ड स्कूल का जो प्रैक्टिस था उन्होंने उस चीज़ को देख कर सारे एफोरिज्म्स लिखे हैं. लेकिन आप आज के टाइम के अंदर भी उस चीज़ को देखने जाओगे तो सारी चीज़ें आपको सही लगेंगी. ठीक है, अगर आज भी तुम देखने जाओगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो
जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उन्होंने मान लिया है कि वाइटल फोर्स जैसी कोई चीज़ होती है, या फिर तो वो पूरा अच्छे से केस चेकिंग करते हैं जैसा होम्योपैथी में होता है, वैसा तो नहीं है, राइट? तो वही चीज़ आज भी चलती आ रही है. परसेप्शन सीम्स टू बी एंटायरली लॉस, मतलब कि ऐसा एक पर्सन को समझना, ठीक है, परसेप्शन दैट मीन्स कि समझना. एक पर्सन को यहाँ पर हम समझने की बात कर रहे हैं, बिकॉज कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, एक पर्सन को समझना, एक डिजीज़ को समझना, ठीक है. तो उस चीज़ को समझने की जो पावर है वो लॉस हो गई है. द मटीरियलिस्टिक refuses and believe anything that does not conform the laws of the time and space. ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि एलोपैथिक जो या फिर तो दूसरे कोई भी तुम पैथीज देख लो तो वो किस चीज़ को मानते हैं, ठीक है, या फिर तो तुम एथीस को देख लो, ठीक है, तो वो किस चीज़ को मानते हैं, जो चीज़ तुमको दिखती है, ठीक है, जो जो चीज़ टाइम के साथ चलती है, जो चीज़ अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, उसको हम रियल मानते हैं, ठीक है, या जबकि जो वाइटल फोर्स है वो तो डायनामिक है, वो तो हमको नहीं दिखता, इसीलिए वो वाइटल फोर्स को नहीं मानते, ठीक है. दिस इज द मटीरियलिज्म, राइट. अगर तुम इसको प्रॉपर फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाओगे, अगर तुम जैसे जो फिलोसोफर्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाओगे तो इस तरीके से समझ सकते हो. लेकिन हमें यहाँ पर क्या समझना है, मटीरियलिज्म इन द मेडिसिन, जो मैंने आपको आगे समझाया कि जो चीज़ किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, जो चीज़ टाइम के लॉस के अकॉर्डिंग चलती है, टाइम टू टाइम उसके अंदर चेंजेस होते हैं, उसी को वो मानते हैं कि हाँ ये चीज़ असल है, ठीक है. लेकिन वो जो चीज़ें ऑक्यूपाई नहीं करती, स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करती, टाइम के साथ नहीं चलती, उसको बिल्कुल डिनाई कर देते हैं कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है. ये हो गया मटीरियलिज्म. लेकिन हमें देखना है मटीरियलिज्म इन द मेडिसिन. तो अब वो आगे चीज़ आएगी कि इन द मेडिसिन ये किस तरीके से होता है. द थिंग विच कांट मेजर वेटेड एंड मस्ट ऑक्यूपाई द स्पेस इज नोन एज टू बी मटीरियलिस्टिक, जो मैंने आपको आगे समझाया. एंड बियॉन्ड दिस द मटीरियल माइंड इज़ टू बी मिस्टीरियस, ड्रीमी एंड पोटेंशियल, ठीक है. अब यहाँ पर एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि जब फिलोसॉफिकल समझ लो, साइकोलॉजिकल समझ लो, ठीक है, तो जो माइंड है, ठीक है, माइंड हम किसको बोलते हैं, लाइक वो भी तो हमको नहीं दिखता, सोचने की जो चीज़ है वो भी तो हमको नहीं दिखती, राइट. जो ब्रेन है हम सिर्फ ब्रेन को देख सकते हैं, हम माइंड को नहीं देख सकते, ठीक है. माइंड एंड ब्रेन आर टू सेपरेट थिंग्स, राइट. अब ये माइंड जो है मिस्टीरियस है, ड्रीमी है, पोटेंशियल है, ठीक है, वो सोचता है, समझ है, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं देख सकते. हम किसी के पर्सन को देखकर ये नहीं बोल सकते कि उसका माइंड क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है. बहुत मतलब कि एकदम बेसिक लेवल पर समझा रही हूँ मैं कि वो पर्सन को देखकर तुम नहीं समझ सकते कि वो कैसा है, कैसे मिस्टीरियस है, ड्रीमी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें तुम नहीं समझ सकते, राइट. तो ये एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि मटीरियलिज्म हर जगह पर नहीं चलता. ऑफकोर्स मटीरियलिज्म इज़ गुड थिंग, लेकिन वो हर जगह पर उसको अप्लाई करना ये सही बात नहीं है, ठीक है. द मटीरियलिस्टिक, अब ये मटीरियलिस्ट मतलब कि जो सिर्फ मटीरियल चीज़ों में मानते हैं, ठीक है. सर्च द मटीरियल कॉज ऑफ द डिजीज इन वर्ल्ड, ठीक है. अब यहाँ से तुम्हारा मटीरियलिज्म इन मेडिसिन शुरू होता है कि अब हम बात करेंगे कि इन मेडिसिन हमारा क्या काम होता है. डिजीज़ है उसके कॉज को ढूंढो, डिजीज़ ने ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट दिखाया वो ढूंढो, उसके साथ तुम उस डिज़ीज़ को किस तरीके से क्योर कर पा सकते हो उस चीज़ को ढूंढो और उसको अप्लाई करो, ठीक है, तो तुमको जो तुम्हारा एम है वो मिल जाएगा. ये होता है इन द मेडिसिन, ठीक है, ऊपर ऊपर से मोटा मोटा ये हमारा काम होता है एज अ डॉक्टर. अब जो मटीरियलिस्ट डॉक्टर है वो क्या करेगा कि वो जो मटीरियल कॉज ऑफ द डिज़ीज़ है उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है. अब डिज़ीज़ का कोई कॉज जो कि सिर्फ मटीरियल है, मटीरियल इन द सेंस अगर बेसिक तुम सोचोगे तो बेसिक से बेसिक चीज़ डिजीज़ का कॉज अभी हमारे दिमाग में क्या आता है, बैक्टीरियाज, वायरसेस, पैरासाइट्स, ठीक है, छोटी से छोटी चीज़ें, ठीक है, कि भाई ये बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज़ हो जाती है. तो ये क्या हो गया, मटीरियल कॉज ऑफ द डिजीज़, क्योंकि बैक्टीरिया हमको दिखते हैं लेकिन कैसे दिखते हैं, माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, ठीक है. बट द मटीरियल एंटिटी विल नेवर कॉज एनी डिजीज़ नॉर ट्रीट इट. दैट मीन्स कि जो मटीरियलिस्ट होगा वो कॉज ऑफ द डिजीज़ को भी देखेगा और उसी के साथ साथ अब उसने देख लिया कि भाई हाँ ये बैक्टीरिया है जो कि इस डिजीज़ का कॉज कर रहे हैं, तो मैं कोई ऐसी चीज़ दे दूँ जो कि इस बैक्टीरिया को निकाल दे, ठीक है, तो वो भी ऑफकोर्स मटीरियल ही होगी. लेकिन यहाँ पर
जो डॉक्टर केंट है वो बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है कि तुम जो मटेरियल कोई भी डिजीज़ है तो उसका कॉज मटेरियल ही होगा, ठीक है, और उसको ट्रीट करने के लिए भी तुमको वो मटेरियल चीज़ ही चाहिए, राइट। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि तुम क्यों अग्री करोगे यहाँ पर। ये एक मेरी खुद की फिलॉसफी है कि जैसे कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं, इवन दो अगर तुम अभी का आज का लीडिंग जो सबसे ज़्यादा लोगों को हो रहा है, इवन तो इन द इंडिया सबसे ज़्यादा लोगों को हो रहा है, विच इज़ कैंसर, ठीक है, कैंसर का कोई कॉज हमें खास करके अभी नहीं पता है, ठीक है। अगर तुम देखने जाओगे तो कैंसर के बहुत सारी थियोरीज तुमको मिलेगी, लेकिन जैसे जो मटेरियल कॉज हम बोलते हैं, ठीक है, ओवरग्रोथ ऑफ द टिश्यू हमें पता है, लेकिन ओवरग्रोथ ऑफ द टिश्यू क्यों हो रहा है, ठीक है, ये हमको नहीं पता है। हमें उसके पीछे बहुत सारी थियोरीज मिल जा रही हैं कि भाई ये हो गया, ये केमिकल आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, ये मार्कर आ गया, ये इन्फ्लामेटरी मार्कर आ गया, वो चीज़ आ गई, उसकी वजह से ज़्यादा जो है कि ट्यूमर ग्रो हो गया, भाई कैंसर हो गया, ठीक है, पर वो भी क्यों हुआ। जैसे अगर तुम देखोगे तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसका कि कोई तुमको मटेरियल कॉज नहीं मिलेगा, उसका डायरेक्ट साइकोलॉजिकल कॉज है। छोटी से छोटी अगर मैं चीज़ बताऊँ, विच इज़ अल्सर इन स्टमक, ठीक है, विच इज़ गैस्ट्राइटिस, उसे भी छोटी चीज़ गैस्ट्राइटिस ले लो, ठीक है, तो अब ये जो गैस्ट्राइटिस है उसका सबसे बड़ा जो कॉज है वो है स्ट्रेस, ठीक है, जो कि आज के ज़माने में तुमको देखने को मिलता है, विच इज़ स्ट्रेस। तो अब हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल होता ही नहीं है, इट इज़ कि ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, तो ये कोई कॉज हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा तो नहीं बोल सकते हम। आगे बढ़ते हैं, कॉज और द सिंपल सब्सटेंस डोमिनेट मैटर एंड एनिमेटेड, ठीक है, जो सिंपल सब्सटेंस है, ऑफकोर्स ये मैंने सिंपल सब्सटेंस के ऊपर भी पहले एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है, जो डॉक्टर केंट है वो वाइटल फोर्स को सिंपल सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है, इतना ही समझ लो कि वाइटल फोर्स या फिर तो सिंपल सब्सटेंस दोनों सेम चीज़ हैं, तो वही डोमिनेट करती हैं, वही एनिमेट करती हैं सारी मैटर्स को, सारी चीज़ों को, ठीक है। सो कॉज आर द विजिबल बट द रिजल्ट आर विजिबल, सॉरी कॉज आर इनविजिबल एंड द रिजल्ट आर विजिबल, दैट मीन्स कि जो कॉज है वो हमें नहीं दिखता, लेकिन उसके रिजल्ट मतलब कि उसके सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स हमको दिखता है। द मटीरियल इज ओनली सी द एक्शन ऑफ द मटीरियल सब्सटेंसेस, मतलब अब जो जो पर्सन है, जो कि जो मटीरियलिस्ट है, जो कि सिर्फ मटीरियल चीज़ों में मानता है, तो वो सिर्फ क्या देखेगा कि एक्शन ऑफ द मटीरियल सब्सटेंस ही देखेगा, राइट, कि बैक्टीरिया आया इसी वजह से हुआ, लेकिन बैक्टीरिया आया तो क्या हुआ, राइट, और दूसरी चीज़ है कि बैक्टीरिया आया ही क्यों, ये भी एक क्वेश्चन है। बट थिंकिंग मैन नोज व्हाट इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द कॉज दैट एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ द सिंपल सब्सटेंस विच इज़ इनविजिबल इन द नेचुरल आई बट विजिबल टू द स्पिरिचुअल आई और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, स्पिरिचुअल आई को छोड़ दो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग को अगर तुम पकड़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग से तुम समझ सकते हो अबाउट द वाइटल फोर्स एंड अबाउट द मायोसम्स विच आर द कॉज ऑफ द डिजीज, ठीक है। तो ये था कि भाई जो एफोरिज्म नंबर 13 है उसके बारे में डॉक्टर केंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अब देखेंगे कि जो एफोरिज्म नंबर 14 है उसके ऊपर डॉक्टर केंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे पहले हम ये देखेंगे कि एफोरिज्म नंबर 14 में है क्या। In the aphorism number, this particular aphorism number, Dr. Henneman spoken about the curable and incurable diseases, ठीक है, कि इस particular aphorism के अंदर कौन सी diseases curable हैं और कौन सी diseases curable नहीं हैं, उनके बारे में Henneman sir ने बात की है। So every curable disease is known to the physician by the sign and symptoms, of course. अब तुम देखोगे कि यहाँ पर भी अगेन मैं अगर कैंसर का तुमको एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, तो जैसे सपोज कैंसर को भी छोड़ दो, लेकिन कोई भी दूसरी डिजीज़ है, एक्यूट डिजीज़ है, इवन तो क्रॉनिक डिजीज़ भी हमें बहुत बाद में पता चलती है जब वो अच्छी खासी ग्रो कर गई होती है, लेकिन अगर तुम क्रॉनिक सॉरी एक्यूट डिजीज़ को देखोगे वो बहुत जल्दी हमको पता चलती है। क्यों पता चलती है? बिकॉज कि उसके बहुत जल्दी साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, एक या दो दिन में ही साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं, इसीलिए वो हमको पता चलती है और हम उसको क्योर कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जो इनक्योरेबल डिजीज़ होती हैं, या फिर तो क्रॉनिक डिजीज़ ले लो या फिर तो कैंसर ले लो, मोस्ट ऑफ दी कैंसर्स आर पेनलेस, इसीलिए वो हमें इतनी जल्दी पता नहीं चलते, पेशेंट को इतनी जल्दी पता नहीं चलते, ठीक है। तो इन शॉर्ट वो क्या हो गया, इनक्योरेबल डिजीज़ हो गया। सो द इनक्योरेबल डिजीज़ हैव अ फ्यू साइन एंड सिम्टम्स एंड बाय एब्सेंस ऑफ दी साइन एंड सिम्टम्स दे आर नोन एज अ इनक्योरेबल डिजीज़, राइट। सो द क्योरेबल डिजीज़ साइन एंड सिम्टम्स इज एक्सप्रेस ऑफ द डिरेंज वाइटल फोर्स,
ठीक है, तो अब मटीरियलिस्ट यहाँ पर क्या सोचेगा और एक होम्योपैथ यहाँ पर क्या सोचेगा, वो चीज़ लिखी हुई है। सो मटीरियलिस्ट डजंट अंडरस्टैंड इट्स इम्पॉर्टेंट, किसका इम्पॉर्टेंस, किसका, वाइटल फोर्स का और उसकी वजह से आए हुए साइन एंड सिम्टम्स का। बट द मैन विद द डॉक्ट्राइन ऑफ द होम्योपैथी इज इंटेलेक्ट इनफ टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अब आते हैं एफोरिज्म नंबर 15 के ऊपर कि एफोरिज्म नंबर 15 में लिखा क्या गया है और उसके ऊपर डॉक्टर केन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इन द एफोरिज्म, इन दिस एफोरिज्म ही सेज एवरीथिंग दैट फ्लोज फ्रॉम द सेंटर मस्ट बी कंसीडर विद द सेंटर। दैट मींस कि जो वाइटल फोर्स है वो हमारा सेंटर है और कोई भी चीज़ अगर इफेक्ट करेगी पूरी पेरीफेरी को तो उसे सबसे पहले इफेक्ट करना है वाइटल फोर्स को, उसके बाद ही वो बाहर सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब अगर हमें इस डिजीज़ को क्योर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स सेंटर से ही उसको रिमूव करना पड़ेगा। अगर हम उसको सेंटर से रिमूव करते हैं तो बाहर के जो पेरीफेरी के ऊपर जो हमको साइन एंड सिम्टम्स मिले हैं वो भी जल्दी क्योर हो जाएंगे और वो ऐसे क्योर होंगे कि वो वापस से डिजीज़ नहीं होगी। ठीक है, वापस से मतलब इन शॉर्ट कि पेलिएशन या फिर तो सप्रेशन नहीं होगा। सो मैन इज कंसीडर एज अ यूनिट एज हिज हेल्दी वाइटल फोर्स इन द रिजल्ट ऑफ द एक्शन फ्रॉम अ सेंटर। दैट मीन्स कि जो हम मैन है, ठीक है, उसको हम एज अ होल देखते हैं। ठीक है, मैन इज़ अ यूनिट कि भाई उसका कोई, हमें सिर्फ ये चीज़ नहीं देखनी कि उसके हाथ के ऊपर कुछ हुआ है, उसके पैर के ऊपर कुछ हुआ है। ठीक है, सिर्फ वो हाथ या पैर को हमने नहीं देखना है, हमें पूरे के पूरे पर्सन को देखना है। ठीक है, सो वाइटल फोर्स इज हेल्दी स्टेट इज प्रेजेंट एट द सेंटर, राइट। सो इवन इन द डिजीज कंडीशन मैन इज कंसीडर एज अ यूनिट, राइट। अब जैसे हेल्दी स्टेट के अंदर हमने पर्सन को एज अ होल लिया, उसी तरीके से हमने डिजीज के अंदर भी पर्सन को एज अ होल ही लेना है, कंसीडर करना है। सो देयर इज अ फर्स्ट थिंग विच इज स्टडी ऑफ द मैन इन हिज नेचुरल स्टेट। ठीक है, अब ये बात मतलब कि पॉइंट्स इस तरीके से हैं कि जो डिजीज़ के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब तुम किसी पर्सन को एज अ होल समझते हो तो तुमको उसके बारे में क्या क्या जानना है। ठीक है, वो एक पॉइंट है। सो फर्स्ट थिंग कि हमें एक पर्सन का नेचुरल स्टेट जो है उसकी स्टडी करनी है। स्टडी ऑफ द मैन इन हिज सिक स्टेट फ्रॉम द नेचुरल डिसऑर्डर। ठीक है, कि भाई सिक स्टेट के अंदर जब वो पर्सन बीमार है तब वो कैसा है। ठीक है, एंड स्टडी ऑफ द मैन इन हिज सिक स्टेट फ्रॉम आर्टिफिशियल डिसऑर्डर। दैट मीन्स कि अगर पेशेंट को कोई नेचुरल कॉज की वजह से डिजीज़ नहीं हुई है, ऊपर हमने क्या लिखा, नेचुरल डिसऑर्डर या फिर तो नेचुरल डिजीज़ जो कि नेचुरल कॉज की वजह से होता है, लेकिन अगर आर्टिफिशियल कॉज की वजह से हुआ है, दैट मीन्स कि किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट आया, विच इज़ सिंपल थिंग। ठीक है, और नेचुरल डिजीज़ किसी वजह से होती है, नेचुरल कॉज की वजह से होती है। नेचुरल कॉज इन होम्योपैथी वी कंसीडर इट अ माइज़म। ठीक है, माइज़म आर द नेचुरल कॉज ऑफ द डिजीज़। सो दिस थ्री different subject make a union of study, ठीक है, and Kent says each remedy should be studied first as a unit। अब यहाँ पर ये बताती है कि तुमने जैसे person को समझा वैसे ही तुम्हें medicine को कैसे समझना है। ठीक है, तो medicine को भी तुमने कैसे समझना है, सबसे पहले उसको as a whole समझो। Then has to be compare with others, that means एक medicine को दूसरी medicine के साथ compare करना है। Something has to be done with the disease too, ठीक है, disease को भी तुमने ऐसे ही समझना है। After that we can compare with other possible things which gives the idea of the individualization, राइट, जो कि मैंने पहले से ही वीडियो बना कर रखा है अबाउट द लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, आपने वो जाकर देखना है। ठीक है, दिस इज़ वॉट मेक्स द फिजिशियन वाइज एंड इंटेलेक्चुअल इनफ टू अप्लाई द मटीरिया मेडिका विद द वंडरफुल प्रिसिशन द देन सो कॉल्ड हेनेमेंस मेथड। ठीक है, तो अब ये क्या हो गई, जो हमको ऊपर हमने डिस्क्राइब किया, डॉक्टर कैन ने जो पूरी चीज़ डिस्क्राइब करी वो क्या है, डॉक्टर हेनेमेन की मेथड है कि वो किस तरीके से डिजीज़ को समझते थे, किस तरीके से किसी मेडिसिन को समझते थे, एंड लास्टली एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को समझते थे, और इन तीनों चीज़ों का नॉलेज लेकर फिर बाद में वो मेडिसिन देते थे।
ऑफकोर्स ही इज़ द फादर ऑफ होम्योपैथी, तो हमें भी उन्हीं के मेथड की तरीके से काम करना चाहिए. ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर अबाउट द मटीरियलिज्म इन द मेडिसिन. इसके अंदर जो डॉक्टर कैंट है उन्होंने तीन एफोरिज्म जो है उनको डिस्कस किया है. ठीक है, और वो तीनों के तीनों एफोरिज्म मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया. रही बात कि आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे, तो आप एज इट इज़ जिस तरीके से मैंने यहाँ पर नोट्स बनाकर रखी हूँ, या आप सेम वे के अंदर आपके एग्ज़ाम के अंदर इस चीज़ को लिख सकते हो. ठीक है, तो होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.